brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने दो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए। हम लोग 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने दो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हो रही है, क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है, जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है, वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। हम लोग 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने दो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हो रही है, क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है, जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है, वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है।